अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सईद आफ्ताब रिजवी, सईद आफ्ताब रिजवी चैनल में खुश आमदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईरान के शहर तेहरान में। तेहरान में इस वक्त हम आ चुके हैं इमाम खुमैनी के मज़ार पे। तो अभी वहाँ पे फातिहखानी भी की जाएगी। बस के जरिए हम आ रहे हैं और बस से यहाँ वक्फा हुआ है, उसके बाद हम जो है मशहद जाएंगे। तो आपको ये दिखा दूँ थोड़ा सा व्यू। ये व्यूअर्स तेहरान है, ये आप देख रहे हैं। ये यहाँ हर रोजे पे और हर जगह पे ये वॉशरूम्स होते हैं, ये मर्दाना वॉशरूम्स हैं, बड़े साफ सुथरे होते हैं, पानी गर्म ठंडा मौजूद होता है। और ये लेडीज वॉशरूम है, ये सिलसिला यहाँ पे हर जगह होता है। सफाई का यहाँ बड़ा इंतजाम है, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल गंद बंद नहीं होता, कूड़ा करके फौरी उठा लिया जाता है। डस्टबिन जो है हर जगह मौजूद होते हैं। ये खातून जो है ईरानी खातून जो है सामान रखा हुआ है, गुड्स जो है वो बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, जरूरत की अशिया है। ये हम इस वक्त जा रहे हैं खुमैनी के रोजे पे, इमाम खुमैनी के बाजार। हमारे साथ जो हैदराबाद से आए हुए हैं, हैदराबाद से सर जी नाम बताइएगा। सर सिकंदर समो नाम है, राजा भाई आमिर राजा समो बता दे भाई। मोहम्मद सलावत नजर मोहम्मद माशु कुरिन बलोच। कैसा रहा सफर आपका ईरान का? कितनी दफा आया? पहली दफा आया सर? दो तीन दफा आए। दो तीन दफा आए जी सर। तो कैसा रहा टूर? वीआईपी रहा। वीआईपी रहा ये देखें, जिस ज्यारत पे तकलीफ ना आए नहीं वो ज्यारत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्यारत का मतलब ही है कि तकलीफ में आकर ज्यारत हो रहा है। ये जी हम इमाम खुमैनी के मजार पे जा रहे हैं। ये बाजार है इमाम खुमैनी का, ये हम आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। तेहरान में इमाम खुमैनी का मजार बहुत बड़ा इनकलाब आया था इनके होते हुए, और आज तक जो कौम है इनके बनाए हुए असूलों पर चल रही है। ये हम जा रहे हैं मजार पे इमाम खुमैनी के। ये यहाँ पे जूते जमा करवाए जाते हैं, ये जूते जमा कराए जा रहे हैं। ये व्यूअर्स इमाम खुमैनी का मज़ार है। ये इमाम खुमैनी का मजार है जी। ये भी बस इमाम खुमैनी का मजार है।
तेहरान में। ये दामाद हैं हज़रत इमाम खुमैनी।